से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारी दुआओं को शुभकामनाओं को तोहफा समझ के कबूल कीजिए। थैंक यू सर। और बताइए सर, आज नया लुक है मनोज टाइगर का, किस फिल्म के लिए है और क्या सीखते हैं सर? फिल्म का नाम है लागल रहा बता सर, और आज यहाँ प्री क्लाइमेक्स के आसपास की शूटिंग हो रही है। हम लोग मुंबई आए हुए हैं गाँव से, उसी का शूट हो रहा है। जरा और अपने किरदार के बारे में बताइए, फिल्म की बाकी आपकी ये कास्ट जो है। फिल्म के अभी कहानी के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन एक अनोखी कहानी है। अब अमृपाली अगर हीरोइन रहेगी बतासा चाचा की तो अलग ही कहानी होगी। अविनाश है एक और इसमें हीरो, और सारे धुरंधर कॉमेडियंस हैं इसमें, और इसके प्रोड्यूसर हैं हमारे मिस्टर संजीव कुशवाहा, ये भी एक धुरंधर और जोखिम उठाने वाले इंसान हैं। अच्छी फिल्म इनको बनानी थी और इनको साफ सुथरी फिल्म बनानी थी। फिल्म में बहुत अच्छा पैसा खर्चा कर रहे हैं, अच्छी कहानी, अच्छा संगीत, अच्छा डायरेक्टर, सबको लेकर के बेहतर। मैं इसे कह सकता हूँ कि ये शायद एक अलग किस्म की फिल्म होगी, लीक से हट के फिल्म होगी, क्योंकि मनोज सिंह टाइगर बताशा चाचा की हीरोइन अमृपाली दुबे हैं। इसके अलावा कोई आप ऐसा पॉइंट बताना चाहते हैं जिससे साबित हो कि फिल्म अलग होगी? देखिए, इसका तो फिल्म अच्छी साबित है, बढ़िया है, साफ सुथरी है, तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। उसके पहले सब लोग बोलते हैं मेरी फिल्म ऐसी है, मेरी फिल्म ऐसी है, तो इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मनोज जी, जब हम शुरू कर रहे थे बताशा, तो मैंने चल आपसे कही थी, आज भी कहता हूँ, दो ब्रांड बन चुके हैं, एक तो निरहुआ जिसके नाम पे फिल्में चलती हैं, निरहुआ चला लंदन, निरहुआ चला ससुराल, अब बताशा भी अपने आप पे एक ब्रांड बन रहा है, बताशा चाचा अलग रहा बताशा, कुछ तो बोल दोगे? ये तो पता नहीं, खुशी तो इस बात की खुशी नहीं है कि ब्रांड बन गया, ब्रांड तो कुछ नहीं, मैं कलाकार हूँ, पर यह है कि मुझे अच्छी टीम मिली है, संजीव कुशवाहा जैसा प्रोड्यूसर मिला है, आलोक सिंह जैसा डायरेक्टर मिला है, और हमारे सारे एक्टर हैं, हमको लगता है कि सिनेमा अच्छा हो। रंगमंच से जुड़े हो आप, हिंदी फिल्मों में आपने अपने ऑडियंस को कैसे आप ये समझाओगे, कैसे बताओगे कि हाँ मैंने एक अलग फिल्म बनाई है या फिर कुछ अलग करने की कोशिश की है, कैसे आप अपने शब्दों में? देखिए, हम लोग प्रमोशन करेंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे, उसके लिए संजीव जी ने बड़ी अच्छी अच्छी प्लानिंग किया है। एक महीना डेढ़ महीना पहले ही हम यूपी बिहार में जाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, मल्टीप्लेक्स किराए पर लेके उसमें रिलीज करेंगे। तो एक बार लोग आ गए ना तो दोबारा लोगों को भेजेंगे, हम पहुंच जाएंगे उन तक अपनी बात पहुँचा करके। अभी आपके किसी कलाकार ने बताया कि बताशा चाचा जो है ये आम्रपाली के दीवाने हैं फिल्म में, और उन्हें उनसे प्यार कर रहा है। असल जिंदगी में कोई दीवानगी रही है मनोज टाइगर की किसी हीरोइन के लिए? जब जवानी है तो दीवानी है तो होगी, जवानी है तो दीवानी, किस्सा तो होता है, बहुत सारे किस्से हो गए, अभी भी किस्सा ढूंढ ही रहा हूँ। मतलब जर्नी कंटिन्यू है, जर्नी कंटिन्यू है कोई। अच्छा, आम्रपाली दुबे ही बनी हुई है, कोई खास हो जाए आम्रपाली को लेने की? हीरोइन तो बहुत सारी है जी, वो आम्रपाली है, लेकिन मेरे सब्जेक्ट की डिमांड आम्रपाली ही थी, सब्जेक्ट लिखते वक्त ही मैंने सोचा था कि इसमें आम्रपाली ही बनी, पता नहीं क्यों, पर्सनली मुझे आम्रपाली बहुत पसंद है, मैं ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भोजपुरी की एक टॉप की हीरोइन हूँ, एज एन एक्ट्रेस और एज ए स्टार दोनों तरीके से बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है। अच्छा, आजकल भोजपुरी फिल्मों में बड़े स्टार गेस्ट अपीयरेंस करते हैं, गाने गा देते हैं, आपकी फिल्म में भी कोई ऐसा तड़का देखने को मिलेगा दिनेश जी को हम गेस्ट अपीयरेंस में? दिनेश जी ने गाना तो गाया है इसमें, गाएंगे भी, रिकॉर्डिंग होने वाली है, अभी आएंगे और कुछ करेंगे, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं हूँ मैं। हेलो, लेकिन जैसे कुछ आजा भाई बोलूंगा थोड़ा, कब तक फील्ड क्लियर करवा जाए फटाफट, ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे सर, इंटरव्यू वाला फील्ड क्लियर हो जाए प्लीज, दो मिनट रुके, सिर्फ ऐसे हो आप। मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत खूबसूरत दिख रहा हूँ। ये जॉगिंग करने जा रहे हैं कि हाफ पैंट और हाफ टी शर्ट? हाँ, सुबह सुबह अभी हम सो के उठे हैं हम लोग, अच्छा, ये तो दोपहर का वक्त है, मतलब लग रहा है किसी फिल्म की शूटिंग में है, शूटिंग पे जॉगिंग है, दोपहर फिल्म के अंदर में सुबह में दिखाया। अच्छा, तो किस फिल्म के लिए है ये सुबह हुई है? ये लगन रहा बता सकते। अच्छा, कौन प्ले कर रहा है, बाकी लोग कौन है? लगन रहा बतासा जो बतासा चाचा है, ऑफकोर्स मनोज टाइगर जी कर रहे हैं, हीरोइन आप सब उससे पहले सब आपको पता ही नहीं, नहीं मुझे नहीं पता है। हीरोइन कौन है? मनीषा कोराला। अच्छा, मनीषा कोराला।
मनीषा कोइराला आपको बहुत पसंद है, भोजपुरी की मनीषा कोइराला, भोजपुरी के जो ड्रीम गर्ल है, ब्यूटी क्वीन है, यूट्यूब की क्वीन है, यूट्यूब इसमें सही में आम्रपाली जो है आप क्या प्ले कर रहे हैं इसमें? मैं अनुज जी का, मनोज टाइगर जी का दोस्त हूँ और फिल्म में इनके साथ जैसे मटर जैसे करता हूँ, कबड्डी खेलता हूँ। अच्छा, अभी क्या सीन आज शूट कर रहे थे, क्या सीक्वेंस चल रहा है? ये सीक्वेंस बहुत सीरियस सीक्वेंस था सुबह से, चश्मा पीछे का, वो बिना हीरोइन घुस रहा है, मुंबई से जाना नहीं चाहते हैं और हीरोइन उन्हें मिलने वाली नहीं, हम लोग उनको मना रहे हैं कि मुंबई से वापस चलिए। आज बहुत कॉमेडी सीन था, आज बहुत सीरियस सीन था, रोना धोना मनाना। अच्छा, सब लोग हम लोग किसी न किसी के बचपन में या फिर जवानी में दीवाने होते हैं, हमारा ड्रीम होता है कि हम उनसे शादी कर लें या प्यार कर लें। हमारे उदय जी हमारे मित्र, उनको बिपाशा बासु बहुत पसंद थी, आपको कौन पसंद था? मुझे आप शादी नहीं कर सकते ना, मैं तो पहले शादी शुदा हूँ, मैं हीरोइन की बात कर रहा था, मेरे तो सर के बाल भी कम है। मुझे एक्टिंग पसंद है, एक्टिंग मेरी दीदी है, मेरी गर्लफ्रेंड है, एक्टिंग के साथ सोता हूँ, एक्टिंग के साथ जाता हूँ, मेरी कला अभिनय से ही मेरी मनुष्य है, यही मेरा प्यार है। मतलब किसी हीरोइन के आप दीवाने नहीं हुए? मैं किसी हीरोइन का दीवाना नहीं हूँ, दीवाना अच्छे इंसान का, आपका, आपके अंदाज का, हमारे भोजपुरी के बहुत सारे ऑडियंस का मैं दीवाना हूँ। जो कला बहुत पसंद करते हैं, जो कलाकारों का रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उनका दीवाना हूँ। कभी ऐसा नहीं लगता कि फिल्म में आप रहते हो, काम करते हो, बड़ी मेहनत करते हो, हीरो हीरोइन को पटाके लेके आता है, शादी कर लेता है, आपको कभी बुरा नहीं लगता? अगर मैं भी ऐसी क्रिया मैं भी कर लेती हूँ, कई बार हीरोइन मेरे साथ भी निकल लेती है, तो बराबर हो जाता है हिसाब? तो हिसाब बराबर हो जाता है, मतलब ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, बस मजा कीजिए, इंजॉय कीजिए, यह फिल्म आप सबके एंटरटेनमेंट के लिए मजा करते रहिए। और कौन कौन सी फिल्में की? अभी एक लगी हुई है फिल्म, बिग मैजिक पर जो चल रहा है सीरियल है। अच्छा, आजकल मसल तो ज्यादा दिख रहे हैं, जिम जाना शुरू कर दिया? हाँ, जिम जाता हूँ। थोड़ी बार बॉडी दिखाइए जरा, देखो ये चलते क्या। अब यहाँ किसी हीरोइन का फोटो मत लगा दीजिए। सलमान खान भी डर जाए आपकी बॉडी देख के? सलमान भाई नहीं डरेंगे, मेरे बॉडी के फैन है। आपकी बॉडी के फैन है सलमान खान? कभी उन्होंने तारीफ की आपकी के जी बॉडी बहुत मस्त बनाई है? जैसे मैं करता हूं, मेरी सुंदरता की तारीफ करें अक्सर, खूबसूरत उन्हें मेरी खूबसूरती बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। कहना चाहूँगा आज के शूट के बारे में, पहले तो बताइए फिल्म का जो टाइटल है और कलाकार के बारे में बताइए कि कौन सी फिल्म है, क्या विषय है, कलाकार कौन कौन से इस फिल्म में बताइए? फिल्म का नाम तो आप जानते हैं, फिल्म का नाम है लाग रहा बतासा, और फिल्म एक्चुअली एक रोमांटिक कॉमेडी है, एक कलाकार नौटंकी का एक कलाकार होता है जिसको जैसे बोलते हैं ना कि एक के साहब जैसे हमारे इसमें कलाकार हैं, और के साहब के दिल में ये आ जाए कि मुझे अब एक फौजी बनना है, मैं मिलिट्री में जाना चाहता हूं, तो आप सोच सकते हैं कि एक फौजी, एक मिलिट्री की एक सीमा होती है भाई, 5 फुट इतनी इंच हाइट होनी चाहिए, इतना सीना होना चाहिए, अब उसके बाद भी अगर के जी रोज़ लगे हुए हैं 12 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, डिप्स मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो फौज में भर्ती नहीं हो सकते ना। उसी तरह बतासा जी जो हमारे हैं, अब उनको एक बॉलीवुड की हीरोइन से प्यार हो गया है, अब उसके इर्द गिर्द कहानी घूम रही है, कॉमेडी हो रही है। तो मनोज शेखर जी की ये पहली ऐसी फिल्म है जिसमें वो मुख्य किरदार में नजर आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत सारी फिल्में मुख्य किरदार में आ चुके हैं। अच्छा, इसके बाद बहुत सारी फिल्में की इसमें आज हीरो भी आए हैं, वो इसके पहले बतासा फिल्म आ चुकी है इसमें वो हीरो रहे हैं, और ऐसे नहीं जिस फिल्म में रहते हैं वो मुख्य किरदार में ही रहते हैं, उनका एक अपना खुद का रोल होता है, ये उनकी पता नहीं कौन सी फिल्म है, मुझे नहीं मालूम किस नंबर की है, तो ये हमारे लिए एक्चुअली हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, को हमारे लिए हमारे साथ
काम कर रहे हो और हम जिस तरह उनसे काम करवाना चाह रहे हैं इस तरह वो काम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी पहली पिक्चर है ये मुख्य कलाकार। अच्छा, जो हीरोइन जिसके आसपास बताशा चाचा भटक रहे हैं वो हीरोइन आम्रपाली है, सर आपको कुछ बताना चाहते हैं? आम्रपाली हीरोइन में तो आम्रपाली ही है, वो आम्रपाली ही है। अच्छा, फिल्म में भी आम्रपाली आम्रपाली ही है, वो आम्रपाली के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, तो ऐसा कुछ उनका करेक्टर कुछ चेंज नहीं है। जो हम लोग वही स्टारडम यूज कर रहे हैं आम्रपाली का, जो आम्रपाली का रियल स्टारडम है। आम्रपाली कोई मतलब कोई अलग से करेक्टर नहीं है, आम्रपाली ही है। कितने प्रोडक्शन शूट हो चुका है फिल्म? अभी तो फिल्म हमारी 30% तक 30% शूट हो चुकी है। जिस प्रोडक्शन शूट हो चुकी है, गाने वाने कुछ निकाले गए हैं या फिर सब? एक गाना शूट हो चुका है, बाकी सारे गाने उसमें आम्रपाली जी और अविनाश दुबे गाने में थे, नचनिया के जो अभी नचनिया फेम स्टार हैं अविनाश दुबे, बहुत अच्छे कलाकार हैं, कमाल के कलाकार हैं, वो हीरो भी हैं और एक्टर भी हैं। आज यहाँ पे क्या सीन हम शूट कर रहे थे, बताशा चाचा आज बड़े इमोशनल नज़र आ रहे थे, थोड़ा रो रहे थे। सीन के बारे में बताएंगे, फिल्म क्या देखोगे आप लोग? यार सीन तो ठीक है, अभी सब इमोशनल ड्रामा ही चल रहा है, उनके प्यार का आपको बोला, अब उनके प्यार में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, रो रहे हैं, उनको हीरोइन नहीं मिल रही है, तो यही सब है। मतलब बताशा चाचा का प्यार इस बार कैमरे पर नज़र आएगा जरूर? हाँ, अच्छे से नज़र आएगा। ये हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अक्टूबर लास्ट तक हम लोग इस प्यार को दिखाएंगे। दीपावली के फर्स्ट जो पहले जो शुक्रवार आएगा, कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि फर्स्ट शुक्रवार पर लॉन्च कर दिया जाए, छठ के पहले इसको रिलीज कर दिया जाए। बाकी की शूटिंग आप देवरिया में, गोरखपुर में और कुशीनगर, तीन जिलों में मिलकर हो रही है। जो बाकी 70% बची हुई है, 70% बची हुई है। यहाँ पर आज क्या सीन, किस फिल्म के लिए शूट? फिल्म के नाम लागल रहा बतासा, और ये एक ड्रामेटिक सीन था जिसे आप लोग अभी भी देख रहे थे, फिल्म का मेन ड्रामा था वहाँ पे, ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल पाऊँगा। क्या किरदार है प्रकाश? एक्चुअली इसमें 5-6 कॉमेडियंस हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ, जो बतासा के सारे दोस्त बने हैं। बतासा भी अपने आप में एक कॉमेडियन है, आप लोग जब सब जानते हैं, लेकिन इस बार जो मनोज टाइगर जी जो रोल कर रहे हैं उसमें सिर्फ कॉमेडी नहीं है, उसमें इमोशन भी है, बहुत कुछ है, प्यार मोहब्बत सब कुछ है, और हम सारे लोग मनोज भैया को सपोर्ट कर रहे हैं। वो आप, मैंने देखा आप सपोर्ट कर रहे थे, पकड़ के आपको रो रहे थे, बड़े इमोशनल हो गए थे आज। हाँ, वो क्या है, दोस्ती में दोस्त पे गुस्सा भी आता है और प्यार भी छलक पड़ता है, तो पहले तो बहुत गुस्सा आया था, फिर बाद में उनके आंसू देखकर हमें भी रोना आ गया, कुछ इस तरह का सीन था। फिल्म में आम्रपाली मनोज जी के ऑपोजिट हीरोइन नज़र आएंगे, आम्रपाली दुबे और मनोज टाइगर की जोड़ी पहली बार शायद फिल्म में नज़र आएगी, कुछ कहना चाहते हैं आप ऑडियंस को? नहीं, ये मीडिया का परसेप्शन है कि आम्रपाली और इनकी जोड़ी, ये मीडिया का परसेप्शन है। हमें आदत हो गई है तथाकथित स्क्रिप्ट को समझने की भोजपुरी में, कि हीरो कौन है और हीरोइन कौन है। अच्छा। इस फिल्म में कोई हीरो हीरोइन नहीं है मेरे हिसाब से, एक सब्जेक्ट है और फिल्म हीरो है, और इसको इस तरह से ना देखा जाए कि ये इनकी जोड़ी है। आम्रपाली जी का रोल मैं बताना नहीं चाहूँगा, नहीं तो कुछ चीज़ें रिवील हो जाएगी, और ना ही बतासा का रोल बता सकता। परसेप्शन कैसे खत्म होगा सर? परसेप्शन तब खत्म होगा जब आप इस फिल्म को देखेंगे। अभी एक फिल्म चल रही है नचनिया, आप लोग के पास शायद जानकारी नहीं हुई होगी, बनारस आनंद मंदिर में अपने बलबूते पे नचनिया एडवांस बुकिंग में वो हाउसफुल हुई है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एडवांस में हाउसफुल हुआ हो, मतलब काउंटर हाउसफुल लगा दिया कि कल का ये शो हाउसफुल है, तो ऐसा हुआ, तो परसेप्शन चेंज हो रहा है धीरे धीरे, जब तक देखेंगे नहीं लोग तब तक चेंज नहीं होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, 5 फिल्में रिलीज हुई थी नचनिया जिसकी आपने बारे में बताया, लेकिन अगर हम लोगों को ही पता नहीं है कि फिल्म का एडवांस बुकिंग चल रही है या फिर बाकी चीज़ें चल रही हैं, तो आप ये कैसे अज्यूम करते हो कि लोगों को पता होगा? जब आप लोगों को नहीं पता है तो इसका मतलब आप लोग भी अपडेट नहीं है, आप लोग को भी पहले अप टू डेट होना पड़ेगा, और ये एक अच्छी बात आपने खुद ही कह दी कि आपको ही नहीं पता है, यहाँ हम फेल हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि शायद फिल्म की पब्लिसिटी उस तरह से नहीं की गई जैसी बाकी फिल्मों की गई। मैं आपको भूलिंग गंगा पार के बारे में बताऊं, मैं आपको एक्चुअली आवारा बलम के बारे में बताऊं, लेकिन मैं आपको नचनिया के बारे में कुछ नहीं बता सकता। उसका रीज़न है क्योंकि वो फिल्म को जगह नहीं मिली,
ये हाँ जी, वो तीन फिल्मों को जो लोग देखते हैं कि इसमें कौन हीरो है कौन हीरोइन है, ऐसा लोगों का देखने का नज़रिया है। तो जिस डेट में बिहार में रिलीज़ होने वाली थी फिल्म, उस डेट में रिलीज़ नहीं हुई, इसलिए आपको जानकारी नहीं। ये फिल्म उत्तर प्रदेश में रिलीज़ हुई उसी डेट में, बिहार में एक तारीख को, 1 जून को रिलीज़ होने वाली है। जब तक ऑडियंस आकर देख नहीं लेती तब तक पता नहीं चलेगा। और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रचार प्रसार थोड़ा कम गया है। लोग पहले से ही तय कर लेते हैं कि भोजपुरी फिल्में कहाँ चल रही हैं, लोग यूट्यूब पे देख लेते हैं क्या होना है नहीं होना, प्रचार करते ही नहीं हैं। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि प्रचार भी उतना ही ज़रूरी है जितना फिल्म मेकिंग। जब तक आप कहने नहीं जाओगे ऑडियंस को कि हम आ रहे हैं, अभी सलमान खान साहब की फिल्म आती है रेस, तो तारक मेहता के चश्मा से लेकर कॉमेडी शो वगैरह सब जगह पे आते हैं। बच्चन साहब आते हैं, नॉट आउट एक फिल्म आई थी, तो प्रमोशन बहुत ज़रूरी है। हम कितनी भी अच्छी फिल्म हो, जंगल में नाचा मोर की तरह अगर आप रिलीज करोगे तो फिर कैसे पता चलेगा? नहीं, इस तरह की भाषा हम इस्तेमाल नहीं करते। जंगल में मोर नाचा ये सबको पता था, लेकिन वहाँ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में खास तरह की सोच है कि ये फिल्म का क्या हो सकता है। दर्शकों ने जवाब दिया आनंद मंदिर में, और आप लोग से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी एक बार फिल्म देखिए। आप लोग ट्रायल में आते हो तो पूरा शो नहीं देखते हो, इंटरवल में भाग जाते हो आप लोग। हम हाँ जी, नहीं समोसा खा के निकल जाते हैं, ये आरोप नहीं है। आरोप ये है कि आप लोग के पास एक ही शाम में 3 इंटरव्यू होता है, कवर करना है। मेरी शिकायत भी दर्ज कीजिए। आप लोग अगर 3 घंटा हमारे सिनेमा को दे ही नहीं सकते तो हमारे इतने सारे फुटेज काट कर क्या फ़ायदा? आप लोग जब खुद नहीं देखेंगे तो ऑडियंस को कैसे बताएंगे कि ये फिल्म देखनी चाहिए? मैं दूसरी चीज इस तरीके से इस बात को कहता हूँ कि हम क्या देखते हैं वो जरूरी नहीं है, आप क्या कहते हो वो जरूरी है। हमारे लिए ये ज्यादा जरूरी है कि आप क्या कहते हैं उसको दर्शकों तक हम पहुँचाएं। हम क्या देखते हैं हमारी बात है, वो बात की बात है, सेकेंडरी है। मैं जवाब दूं आपको, आपका देखना भी उतना ही जरूरी है जितना दर्शकों को बताना। आपका भी देखना उतना ही ज़रूरी है जितना दर्शकों को बताना। जब आप देख लेंगे तो आपके अंदर का विश्वास पैदा होगा। मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों ने पिछले 1 साल में 3 घंटा किसी एक सिनेमा को दिया है, ये मेरा आरोप भी स्वीकार करें। इसको इस पे आप सोचें। अगर जो फिल्म हिट हो जाती है उसी फिल्म को एक बार देख लीजिए, ताकि एक फार्मूला तो पता चले ना। आप हिट देखने जाते हैं ना फ्लॉप देखने जाते हैं, आप शो के पहले आते हैं, शो के बीच में आते हैं और बीच में ही चले जाते हैं। आपकी आवाज़ बड़ी बड़ी बुलंद है, लेकिन इस बुलंदी का मतलब ये नहीं कि सच्चाई से आप मुंह मोड़ लेंगे। मैं ये कहूँगा कि हर छोटे से छोटे तक के कम से कम हर बार में हम 1 साल में 300 से ज़्यादा इंटरव्यूज करते हैं, मुझे लगता है वो काम ज़्यादा जरूरी है। जी हाँ बिल्कुल, आपने सच्चाई एक्सेप्ट कर ली। एक मिनट, आपने सच्चाई एक्सेप्ट किया है। इन्होंने कहा है कि साल भर में 300 फिल्मों का ये कवरेज करते हैं, 300 फिल्में रिलीज होती है और 300 फिल्में ये कवरेज करते हैं, तो इनके पास 3 घंटे का समय कहाँ से आएगा? सर आप बिजी हो सकते हो, लेकिन जिस सिनेमा से बिजी हो उसको 3 घंटा आपको भी देना पड़ेगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है। आपकी रिक्वेस्ट आपको भी करवाया था, मैंने कहा कि आप लोग मीडिया पर्सन हो, आप लोग अपना प्रचार करो ताकि हमारा भी फिल्म के बारे में कुछ पता चले लोगों को। क्या थैंक यू, इतना इंजॉय कर रहे हैं इस किरदार को निभाने में, जो अभी किरदार निभा रहे हैं आप इस फिल्म में? देखिए फिल्म जो है ना एक बहुत ही अच्छी कॉमेडी स्क्रिप्ट है, जो कि मनोज टाइगर जी इसको लिखे हैं, और उनके जो बहुत ही टैलेंटेड, जो काफ़ी एड में काम कर चुके हैं आलोक सिंह जी, वो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। अच्छा, तो ये जो फिल्म है ना पूरी कॉमेडी बेस्ड, और सबसे पहली बात है कि इसमें कोई स्टार नहीं है कि, और ये मनोज टाइगर जी का बहुत ही बड़ा मतलब एक प्रयास है इंडस्ट्री में कि बिल्कुल ही साफ सुथरी फिल्म है, जैसा कि भोजपुरी के बारे में कहा जाता है, वैसे है नहीं जितना बोला जाता है। लेकिन फिर भी अगर उस चीज़ से हट करके, उस जो भी लोग बोलते हैं कि अश्लीलता या जो भी है, उससे दूर हट करके मनोज टाइगर जी का बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सराहनीय प्रयास है, तो ये सारे कलाकार जो हैं इसमें अपना योगदान दे रहे हैं एज एन एक्टर, तो बहुत ही अच्छी फिल्म है। मुझे लगता है कि दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। आप अपने किरदार के बताइए और बताइए कि क्या किरदार है और किस तरह से उस किरदार को अलग लिया हुआ है। देखिए सही कहा रामचंद्र जी ने बोला कि एक्चुअली बताने की ज़रूरत नहीं है, हम 7 दोस्त हैं जो कि एक गांव में रहते हैं, यूपी के गांव में, तो हमारी एक मतलब बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, तो उसमें मैं एक ऐसा किरदार किया हूं जो कि थोड़ा मतलब गे टाइप जो लोग होते हैं, मैं तो वो उस टाइप का मैं मतलब मैं सॉरी मैं ऐसा कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूं कि गे टाइप, मतलब एक जो जैसे आदमी
पुरुष स्त्री तो ये टाइप उनका भी एक है, तो उस तरह से हमारा एक गेटअप है जो कि मुझे इसमें प्ले करने का मौका मिला। सर आपसे जानना चाहेंगे आपका किरदार क्या और क्या कहना चाहेंगे इस किरदार के बारे में, कितने उत्साहित हैं इस किरदार को? पहले तो भोजपुरिया दर्शकन के महेश आचार्य के प्यार भरा नमस्कार, और हम बानी महेश आचार्य रउआ लोग अभी सेट पर आयल बने जा, यहाँ फिल्म के शूटिंग होता जेकर नाम बा लागल रह बतासा, और वह लोग जानत हो कि बतासा केकर नाम बा मतलब मनोज टाइगर, और मनोज टाइगर मतलब अपने आप में एक पहचान बानू, अपने आप में एक ब्रांड बानू कॉमेडी के, हम सब कॉमेडियन से बहुत सीनियर बानू, और इस जो फिल्म की शूटिंग होता जेकर नाम बा लागल रह बतासा एक लेखक भी बान, वही लिखले बानी कहानी के, और एक डायरेक्टर बान आलोक सिंह जी जैसे कि बतेले हैं अभी अपनी के प्यारे मित्र दिलीप जी, और बड़ा मजा आवता मनोज जी के समझ ली कि ड्रीम प्रोजेक्ट भाई, अब बहुत प्रयास के लिए बन, अब सोच लीजिए कि हम भोजपुरी फिल्म बहुत रुआ लोग देखत हो गए, ओकरा में एगो दूगो कॉमेडियन रहला तो का हाल होला, रुआ लोग हंसत हंसत पेट फूल जात हो, इमें तो हमनी के सात सात गो बनी जाए, सात कॉमेडियन एक साथ समझी के रुआ लोग के क्या मिली, कितना हंसे के मिली, इमोशन मिली, ड्रामा मिली, कॉमेडी मिली, एक्शन से थोड़ा दूर बनी जाए हमनी के, और वो भी प्रयास बा। तो कितनी बड़ी प्रतियोगिता है क्योंकि सात कलाकार हैं, सातों कॉमेडियन हैं, अपने अपने हुनर को किस तरह से दिखा रहे हैं इस फिल्म के माध्यम से? मनोज जी के कलम से ऐसा चित्र सामने आएल बाना कि जो कॉमेडियन जो हुनर में माहिर बा ओकरा वही हिसाब से प्रेजेंट करा था, रउआ लोग के हर कलाकार के हर टेस्ट देखे के मिली, जैसे कि हम अच्छा कुछ कर लें तो हमारा से वही करवावल जाता, दिलीप अभी लड़की के रोल करा था, लड़की नहीं खे मगर कर लेता अच्छा के लिए भाई भी, प्रकाश जी बाड़े, के जी बाड़े, आनंद मोहन बाबा बाड़े, संतोष श्रीवास्तव बाड़े, अपना विनोद मिश्रा जी बाड़े, काफ़ी कॉमेडियन से भरल भाई पूरा फिल्म। और सबसे बड़ी चीज़ हम कल जब जो ये इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं हमारे संजीव कुशवाहा जी जो भी क्लासिक ग्रुप कंपनी चलाते हैं और उनके इतने सारे बंदे हैं जो इतनी बड़ी टीम है और उनका एक अथक प्रयास ये है और इतना ही सराहनीय प्रयास है कुशवाहा साहब का कि मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा इस बड़ी ही सराहनीय कोशिश के लिए कि भोजपुरी में एक ऐसी फिल्म बनाने जा रहे हैं जहाँ पे कि हमारे महेश भाई ने बोला कि इतने बड़े कॉमेडियन को लेकर के, इतने सारे कॉमेडियनों को लेकर के, और ये इतनी अच्छी फिल्म बन रही है कि रिलीज़ होने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा क्या है कैसे है। और इस फिल्म की एक बहुत अच्छी बात है कि इस फिल्म का भी मार्केट की सबसे मतलब हॉट और ग्लैमरस हीरोइन है जिनका नाम है आम्रपाली दुबे जी, इस फिल्म की हीरोइन है वो, और हीरो हीरो बोला जाए या अच्छे एक आर्टिस्ट हैं वो हैं अविनाश जी, अविनाश दुबे जी हैं, और टाइगर साहब तो खैर उनका तो कमाल ही है, वो तो कमाल क्या है इस फिल्म में। और हाँ एक सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ कि आज आप लोग जिस मौके पर यहाँ पे आए हैं हमारे जो मीडियाकर्मी भाई हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारा टाइगर साहब का बर्थडे भी है, हम चाहेंगे दिल से उनको बधाई दें, मनोज टाइगर साहब को दिल से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप जिए हजारों साल और ऐसे हम कॉमेडियंस को लेकर साथ चले और हम सलाम करते हैं। लागल रहा बताशा, कुछ बताना चाहते हैं आप किरदार के बारे में, आपका क्या रोल है इसमें? देखिए बताशा जो किरदार है वो अपने आप में ही बहुत पॉपुलर है और ऊपर से अब ये है लागल रहा बताशा तो टाइटल में अपने आप ही बहुत वजन आ जाता है। और इसमें जो मेरा किरदार है वो एक सुपर मॉडल का है और बहुत ही अच्छा किरदार है, इसीलिए मैंने इस फिल्म को करने की इच्छा जाहिर की जब मैंने कहानी सुनी। और किरदार से भी ज़्यादा ख़ास बात यह है कि इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो इतना कसा हुआ है कि एक सीन से दूसरे सीन के बीच में बोरियत के लिए या सोचने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मुझे ये किरदार करने में बहुत मज़ा आ रहा है अभी तक जो किया। और इस टीम में जितने भी एक्टर्स हैं सभी मजे हुए हैं, प्रकाश जैस जी हैं, मनोज टाइगर जी हैं, उनको तो मैं बोलता हूँ टैलेंट का पावर हाउस, आम्रपाली जी हैं, तो जब आप अच्छे अभिनेताओं के साथ काम करते हो ना तो आपकी एक्टिंग भी अपने आप ही अच्छी हो जाती है, जैसे आप अच्छे लोगों के बीच में रहते हो तो आप भी अपने आप अच्छे हो जाते हो, वही है बिल्कुल। आपके शब्दों में आप बताइए फिल्म की कहानी क्या है, क्या किस किस जॉनर की फिल्म है, हार्डकोर कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी है या कुछ और है? देखिए ये एक आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म भी है, इसमें ड्रामा भी है, इसमें इमोशन भी है और इसमें रोमांस भी है, लेकिन ये सबकी एक अलग अलग परिभाषा दर्शाती है ये फिल्म। जैसे रोमांस और प्यार, आज तक हर किसी ने जो अपने दिमाग में सोचा होगा वैसा प्यार नहीं है इसमें, इसमें दो तीन तरीके के प्यार हैं कि प्यार ऐसा भी हो सकता है, प्यार वैसा भी हो सकता है, प्यार वन साइडेड भी हो सकता है, प्यार टू साइडेड भी हो सकता है, प्यार थ्री साइडेड भी हो सकता है, तो वही इस फिल्म में दर्शाया है। तो हर इमोशन को दो तीन तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है जो मुझे सबसे अलग लगा इस फिल्म में। इस फिल्म में क्या आप आम्रपाली दुबे के साथ रोमांस करते हुए नज़र आएंगे? जी बिल्कुल, हम लोग रोमांस करते हुए भी नज़र आएंगे, हम लोग डांस करते हुए भी नज़र आएंगे, हम लोग लड़ाई करते हुए भी नज़र आएंगे, तो सब कुछ देखने को मिलेगा जनता को। और नचनिया
रिलीज़ हुई आपकी पहली फिल्म नचनिया रिलीज़ हुई जी, जी उसके बारे में आप क्या कहते हैं, किस तरह की, ये ज़रा बताएं। जी देखिए, नचनिया एक बहुत अलग तरह की फ़िल्म है और इंडस्ट्री में जितने लोगों को भी हमने फ़िल्म दिखाई सभी को ये फ़िल्म पसंद आई। तो हम लोग थोड़ा ये भी थे कि फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, हमें आइडिया नहीं था जनता का रिस्पांस क्या होगा। हमने चीज़ों को बहुत खुला छोड़ा हुआ था कि जो भी जनता का रिस्पांस होगा हमें एक्सेप्ट होगा। लेकिन लकीली फ़िल्म यूपी में रिलीज़ हुई और यूपी में बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला ऑडियंस का, और लोगों ने, जैसा कि इस फिल्म के बारे में मैंने सोचा था कि शायद स्लो ओपनिंग मिलेगी और माउथ पब्लिसिटी से फिल्म चलेगी, वैसे करते करते फ्राइडे से संडे तक ये फ़िल्म फुल हो गई सिनेमाघरों में। और कई लोग मैंने ऐसे भी देखे जिन्होंने इस फिल्म के लगातार 4 शो देखे हैं और वो थिएटर से निकले और उन्होंने 4ों टिकट्स दिखाए हैं। तो लोगों को फिल्म इतनी पसंद आ रही है, लोग जा रहे हैं घर पर और अपनी वाइफ को, बच्चों को लेकर आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि भोजपुरी फिल्म में महिलाओं का आगमन शुरू हुआ है इस फिल्म के ज़रिए, और अगर हाउसफुल गई है फिल्म तो उसमें 50% महिलाएँ और बच्चे थे। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। फिल्म कितनी बड़ी हिट होगी या सुपर हिट होगी या नहीं होगी, उससे ज़्यादा मेरे लिए मैटर ये करता है कि क्या कुछ बदल रहा है। हाँ, बदल रहा है, और बदलाव की शुरुआत धीरे 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 ही शुरू होती है। और इतना अच्छा रिस्पांस मिला है यूपी में, 1 तारीख को फिल्म बिहार में रिलीज़ है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जनता लगभग इमोशनली एक ही तरह से फिल्म से अटैच होती है। मैंने देखा है सब लोग इमोशनली बहुत कनेक्ट हो जाते हैं फिल्म से, तो मुझे लगता है बिहार में जो रिस्पांस मिलेगा वो यूपी से ज़बरदस्त होना चाहिए, क्योंकि लोगों को फिल्म पसंद आ रही है, दिल से जुड़ रहे हैं लोग, कलाकार की कहानी है और सब लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी संस्कृति के ऊपर है जा रहे हैं। आपने जो सोच कर, जिस इरादे से या जो भी आपके उद्देश्य रहा हो फिल्म करने का, आपको लगता है ये फिल्म करने के बाद आपका वो उद्देश्य या फिर वो चीज़ें पूरी हो सकी? जी, मेरा उद्देश्य ये था कि देखिए, फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी या सुपर हिट होगी ये कोई भी इंसान गारंटी नहीं दे सकता है। मैं उसी चीज़ पर ज़्यादा भरोसा करता हूँ जो मेरे कंट्रोल में है। मेरे कंट्रोल में सिर्फ अच्छा परफॉर्मेंस करना, अच्छी फिल्म करना और ईमानदारी से काम करना था, जो मैंने पूरा किया है और मेरी टीम के हर इंसान ने किया है। तो हमारा सबसे जो अच्छी बात है, वो हमारे प्रोड्यूसर ने कहा था कि मैं एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ जिसे मेरा परिवार मेरे साथ बैठ के देख सके, और वो उद्देश्य सक्सेसफुल हुआ है। क्लीन यू सर्टिफिकेट मिला है फिल्म को, और पूरा परिवार, चाचा मामा, बच्चा बच्ची, दादा दादी, नाना नानी, परनाना परनानी, सब लोग साथ में बैठ के फिल्म को देख सकते हैं। यही हमारा उद्देश्य था जो पूरा हो रहा है। अब नचनिया के बाद क्या लागल रहा बताशा के बाद क्या लागल रहा बतासा की शूटिंग चल रही है। इससे पहले मैंने एक फ़िल्म ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है जिसका नाम है बॉर्डर, और जिसका ट्रेलर ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा धूम मचा रहा है। ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है भोजपुरी में ऐसा कहा जा रहा है। और मैंने तो खुद इस फिल्म में काम किया तो मैंने देखा है कि कहते हैं कि कोई फिल्म बनाने में लोग बहुत मेहनत करते हैं, खून पसीना लगाते हैं, इस फिल्म में सच में लोगों ने अपना खून भी गिराया है, लोगों को चोटें लगी हैं, एक्शन हुआ है, असली एक्शन हुआ है, बहुत बारूद फटे हैं, कमाल का एक्शन है, और बड़ी फिल्म है और बहुत उम्मीद लगाई जा रही है कि ये फिल्म आने वाली, इसके पीछे आने वाली बाकी फिल्मों के लिए भी मार्केट को उठा देगा। किसे चोट लगी थी इसमें? थोड़ी सी चोट लगी थी हमारे साथ एक किरदार कर रहे हैं अंशुमन जी, अंशुमन नाम है उनका, उनको चोट लगी थी। मुझे, मेरा हाथ ये ट्विस्ट हुआ था यहाँ से, एल्बो से, और एक और सीक्वेंस था जिसमें मुझे ज़मीन से उठ के खड़ा होना था, तो उसमें काफ़ी मुझे एलर्जी हो गई थी क्योंकि हम लोग जंगल में शूट कर रहे थे और जंगल में वो जंगल की मिट्टी थी, कीड़े मकोड़े थे, और काफ़ी रैशेज और एलर्जी पूरी बॉडी में हो गई थी। कई लोगों का खून भी बहा है, कईयों को रैशेज लगे, कईयों को एलर्जी हुई है। तो बॉर्डर में हम लोगों ने बहुत खून पसीना बहाया है, तो उम्मीद है जनता को बहुत पसंद आएगी फिल्म।